हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं चावल का ढोकला। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा और बहुत आसान है, इसे बनाना बहुत ही स्पंजी बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि आप चावल ले ले 1 कप और उसे भिगो के रख ले तकरीबन 4 से 5 घंटे तक। अब हमें क्या करना है, एक दूसरे बोल में लेना है 1/2 कप पोहा और 1/2 कप सूजी। इसे भी हमें धो लेना है और धो के 10 मिनट पहले इसे भिगो के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में हम लेंगे भिगे हुए चावल और जो पोहा और सूजी मैंने भिगो के रखे थे उसको डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ताज़ा नारियल, थोड़ा सा डालना है, हरी मिर्च डाले, अदरक डाले, थोड़ा सा नमक और चीनी डालना है और 1 कप दही मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छे से पीस लिया है। तो ये देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। अब क्या करें, एक प्लेट में आप अच्छे से उसको ग्रीस कर ले, जिस प्लेट में आपको ढोकला बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच तेल और यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप बेकिंग सोडा के जगह पर अगर इनो का इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा आता है। तो अब चलिए अब इसे स्टीम कर लेते हैं। तो मैंने ये बैटर इसमें डाल दिया इस प्लेट में और पानी मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इस प्लेट को इसमें डाल देती हूँ और इसे ढक के पकने दूंगी तकरीबन 18 से 20 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए 18 मिनट के बाद मैं इसे एक बार चेक कर लूँगी। ये देखिए ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब ढोकला हमारा बन चुका है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। अब एक पैन में ले 2 चम्मच ऑयल, उसमें डालें आप थोड़ी सी राई, जीरा और 1 चम्मच सफ़ेद तेल। अब इसमें डाल दें लंबी कटी हुई हरी मिर्च और करी पत्ता और ये जो तड़का जब तैयार हो जाएगा तो इसे डाल देंगे ढोकले के ऊपर। तो ये मैं ढोकले के ऊपर डाल देती हूँ और इसे फैला देते हैं और जब ये ठंडा हो जाए थोड़ा तब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी, स्पंजी, टेस्टी ये ढोकला बनके तैयार हो गया है। आप इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, साथ ही आप इसे ब्रेकफास्ट में भी शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना स्पंजी बना है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।